शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 299 केंद्रों पर 25,133 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,047 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,351 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में पहला डोज 94.36% तथा द्वितीय डोज 58.95% नागरिकों को लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा 15 से 17 वर्ष के बच्चों को 48% का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही बूस्टर डोज 56% लोगों को लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कोविड महामारी के रोकथाम के लिए सतत कार्यशाला हो रही है तथा टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए धर्मगुरुओं विद्यालय के प्रधानाचार्यों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोविड रोधी वैक्सीन जरूर लगवाएं तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा दूसरे में भी आधार इसको नहीं इनका नोट करेंगे आज हमारे यहाँ 398 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और प्रथम खुराक हम लोग जो है 94.36% लगा चुके हैं, द्वितीय खुराक 58.95% लगा चुके हैं और 15 साल से लेकर के 17 साल तक जो है हम 48% बच्चों को टीका लगवा चुके हैं और इसी के साथ साथ प्रिकॉशन डोज जो है वो हम 56% लोगों को लगवा चुके हैं। कोविड के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सतत हम लोगों की कार्यशालाएं हो रही हैं, टीकाकरण बढ़ावा करने के लिए जो है समाज के संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, अध्यापकों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठक मैं स्वयं कर रहा हूं, साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं। कोविड की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समय समय पर मैं जो अन्य हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट संस्थान के उनका निरीक्षण भी कर रहा हूं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर बेड बढ़ाया जा सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और प्रयास करें कि जब अत्यधिक आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें और वैक्सीन सब लोग लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कवच है, जितनी ज़्यादा हम वैक्सीन लगवा चुके रहेंगे ज़्यादा लोग समाज के, उतने ज़्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे।